दहिसर क्राइम ब्रांच ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो इंटरनेट वेबसाइट के जरिए देह व्यापार करते थे और पेटीएम के जरिए पेमेंट लेते थे। इस केस में नेमधारी साहू और संतोष साहू नामक दो आरोपी गिरफ्तार किए गए, जो नायगांव और मीरा रोड के मूल निवासी है। सीनियर इंस्पेक्टर सागर शिवलकर ने बताया कि हमें अभी दो और आरोपी की तलाश है। क्राइम ब्रांच को पता चला था कि सेक्स रैकेट के लिए एक खास वेबसाइट बनाई गई थी। जब जांच टीम ने उस साइट पर सर्च किया तो वहां एक नंबर मिला। उस नंबर पर क्राइम ब्रांच के एक फर्जी कस्टमर ने संपर्क किया। जवाब में उसे कहा गया कि पहले पेटीएम के जरिए 1,000 रुपये भेजो, फिर लड़कियों के फोटो व्हाट्सएप किए जाएंगे। जब कुछ लड़कियों के फोटो सिलेक्ट कर सामने वाले को ओके भेज दिया गया तो सामने वाले ने कहा कि हम आपकी बताई जगह लड़कियों को भेज रहे हैं, वहाँ लड़कियों के पहुँच से ही आपको प्रति लड़की 5,000 रुपये और पेटीएम में भेजना होगा। क्राइम ब्रांच के फर्जी कस्टमर ने इसके लिए भी हाँ कर दी। इसके बाद जैसे ही लड़कियां वहां पहुंची, जांच टीम ने उनके जरिए एक और ट्रैप लगाया और फिर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने सेक्स व्यापार के लिए वेबसाइट बनाने के आरोप में श्रीलंकाई नागरिक विल्सन को गिरफ्तार किया था। गवस यांना अशी माहिती मिळाली होती कि इंटरनेटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर देऊन पीडित मुलींना पैशाचं आमिष दाखवून त्यांच्या मार्फतीनं वेश्या व्यवसाय करणारी एक टोळी आहे, आणि त्याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तसा आपला बोगस गिराईक त्या ठिकाणी बनवून रितसर त्या ठिकाणी त्यांच्याशी संपर्क साधला। संपर्क साधला असता प्रत्येक एका मुलीकरता 5,000 रुपये अशा प्रकारची रक्कम त्यांनी मागणी केली आणि 1,000 रुपये ॲडव्हान्स अशी मागणी केल्यानंतर त्याच्या पेटीएम अकाउंटला 1,000 रुपये भरण्यात आले। त्यानंतर दिलेल्या ठिकाणी बोरली पूर्व या ठिकाणी नमूद दोन्ही आरोपींना जेव्हा बोलवण्यात आलं त्यावेळी त्या ठिकाणी आले, सोबत त्यांनी पीडित मुलींना सुद्धा आणलं होतं। अशा प्रकारे ते त्या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय अशा पीडित मुलीकडे करून घेत आहेत याबाबतची खात्री झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रितसर छापा कारवाई करण्यात आली आणि त्या ठिकाणी दोन पीडित महिलांची सुटका करून ऑटो रिक्षा ज्या रिक्षामध्ये ते आले होते ते आणि अशा प्रकारे वेश्या व्यवसाय करायला लावणारे दोन आरोपी यांना ताब्यात घेण्यात आले। त्यामध्ये प्रथमदर्शनी चौकशीमध्ये असं लक्षात आलेलं आहे की दोन आरोपी ज्यांचं नाव नेमधारी साहू आणि संतोष साहू असे आहेत, ते अशा प्रकारच्या गैरकायदेशीर व्यवसायामध्ये बराच कालावधीपासून आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध प्रत्येकी किमान 2 गुन्हे हे ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये दाखल आहेत।